दोस्तों सोनू निगम, अरिजीत सिंह, शान, कैलाश खेर, अंकित तिवारी, मीका सिंह, कुमार विश्वास, सोनू कक्कड़ और पलक मुछाल, इन महारथी सिंगर्स को एक ही गाने में लेकर आना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन द इम्पॉसिबल हैज बीन अचीव्ड बाय म्यूजिक कंपोजर्स अमजद नदीम। हाल ही में इन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया है वीर भगत सिंह, जो चैनल्स पर धूम मचा रहा है, और आज हमारे स्टूडियो में यही दो म्यूजिक डायरेक्टर्स है। सो लेट्स वेलकम अमजद नदीम। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। सबसे बड़ी बात तो ये कि इतने सारे सिंगर्स की डेट्स आपने कैसे कोऑर्डिनेट की, या अलग अलग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्डिंग हुई? जी, इसको 4 महीने लग गए एक्चुअली सबकी डेट्स भी लेना और अरेंजमेंट करने में, बिकॉज जैसे आजकल सब बोलते हैं मॉडर्न होना चाहिए, मॉडर्न हो जाए। यहाँ चैलेंजिंग ये था कि वीर भगत सिंह है तो एथनिक होना चाहिए और साउंड इतना अच्छा होना चाहिए कि हमें यूनिक भी लगे, एट द सेम टाइम जो वो जो फील होता है ना, अर्दी फील, करेक्ट, वो रहे। तो उसमें ज़्यादा 2 महीने हमें ट्रैक बनाने में चले गए। देन वी स्टार्टेड कॉलिंग अपने सिंगर्स को, और जैसे कि सिंगर्स इतने अच्छे सिंगर्स हमने हमारी इंडस्ट्री में हो सकते हैं, जब उनको पता चला कि वीर भगत सिंह के लिए गाना हो रहा है तो मतलब दे वर सेइंग चलो कब करना है, अरे आज करें, क्या बात, कल करें। थैंक्स टू ऑल सिंगर्स। तो इन सिंगर्स को आप लोगों ने अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से चुना, या आपने ये तय कर लिया था कि ये 9 सिंगर्स होंगे या 8 सिंगर्स होंगे या 7 सिंगर्स होंगे? ये जैसे जैसे हम लोगों के माइंड में, हमने कंपोज करते वक्त क्या एक सॉन्ग का एक सुर होता है, तो जैसे जैसे ऐसे एक सुर पंजाबी है तो मिक्का पाजी, फील है तो सोनू भाई, तो वैसे अंकित तिवारी का अलग क्वालिटी है, पलक की अलग क्वालिटी है, वैसे सोनू कक्कड़ जी की अलग क्वालिटी है, कैलाश जी की अलग क्वालिटी है, वैसे ही हम लोग, आप अगर सॉन्ग सुनोगे तो एडलिप से आप सुनोगे तो कोई भी जगह ऐसा नहीं लगता कि यार कुछ कमी पेशी है, हर जगह ऐसा लगता। हमने जब सिंगरों को सुनाया तो उन्होंने, आप लोगों को कैसे पता चला ये हमारी अलग अलग क्वालिटी है, आपने कैसे इसके अंदर डाली है? सर ये सब भरोसा है आप लोगों का, प्यार है, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतना बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे कंधे पर रखा गया और हम उसको निभा पाए। लवली लवली। तो ये गाना पहले कुमार विश्वास जी ने लिखा या धुन आप लोगों ने पहले बनाई? पहले उन्होंने लिखा। अच्छा, और ये आइडिया किसका है? ये कुमार विश्वास जी का ही आइडिया है। हाँ, उनका हाँ, प्लान था हाँ, कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इस बार के उनके शहीद भगत सिंह के एनिवर्सरी पर कि लोग हमेशा इस गाने से याद रखें कि हम जो उन्होंने किया है, शहादत जो उनकी है, बेसिकली मैं कुमार जी से पहले उस शख्स का नाम लेना चाहूंगा जो जिसकी वजह से ये हो रहा है, वीर भगत सिंह जी, करेक्ट, कि जिस आदमी ने हमें ये सिखाया है कि देयर हैज टू बी अ चेंज, ये नहीं कि जो रूटीन लाइफ है चली आ रही है। तो पहले तो उन्होंने हमें लड़ना सिखाया। जो आदमी ये कह जाता है कि जिंदगी तो अपने बल पे जी जाती है, दूसरों के कांधों पे तो जनाजे उठते हैं, करेक्ट, तो उस आदमी की बात की जाए, फिर वही है सबको जिसके जरिए हम गाना लिख रहे हैं, और कुमार जी ने उनको पी लिया है। मतलब जब उनके साथ बैठे ना, उन्होंने, हमने जब उनसे कोई सवाल किया, कुमार जी ये ऐसे कैसे, ये यहाँ पर कैसे, क्योंकि कोई भी गाना, जैसे हम एक फिल्म कर रहे हैं, हमारा जानना जरूरी है वो स्क्रिप्ट क्या है, सही, तो वो इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद हमने उनसे पूछा व्हाट वाज द एक्चुअल स्टोरी, वो हमें बताओ, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ा है, जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि आपने तो किताबें पढ़ी हैं और एक नहीं, हमने शायद एक पढ़ी होगी, आपने तो हजारों पढ़ी। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उससे ही गाना बनता चला गया, फिर ट्यून बनती चली गई, उसका बेटरमेंट। उसके बाद फिर जी म्यूजिक कंपनी का सपोर्ट रहा है, अनुराग सर का सपोर्ट रहा है, तो फिर तो हम लोगों को फिर हिम्मत आ जाती है कि किस तरीके से करना है, आप भी और बेस्ट देना ही है, फिर बेस्ट देना है फिर। तो इस गाने के रिकॉर्डिंग में, चलो ये रिसर्च हुआ, अलग अलग नोट्स बने, लेकिन रिकॉर्ड कितने दिनों में हुआ, जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई? ये जब ये डिस्कस होना स्टार्ट हुआ तो उसी तरीके से जैसे से हमारे रिलेशन है, सोनू भाई से रिश्ता है हमारा, हमने फोन किया, भाई भाई मैं अभी दुबई में हूँ, मैं आके करता हूँ, डन सर, उसकी उनकी डेट ले ली, फिर मिक्का पाजी से बात करी, भाई आ जाओ आप लोग कर दो, और हम लोग सबसे बड़े खुशनसीब है कि उन्होंने एक एक दो दो लाइन, चार चार लाइन नहीं, पूरा पूरा गाना गाया। ओ अच्छा, फिर आप लोगों ने एडिट करके, उसको एडिट करके, और उनका ट्रस्ट ये था कि भाई हम गा देते हैं, आप अपने हिसाब से एडिट कर लेना। सारे सिंगर्स ने ऐसे किया, सारे सिंगर्स ने ऐसे, मोस्टली सब ने ऐसे किया, मोस्टली ऐसे ही किया है कि आप लोग, आप पे हम पे, हमें भरोसा है, आप अपने हिसाब से, हम जानते हैं आप अपने काम जानते हो, हम गा देते हैं और उसके बाद आप एडिट करो।
और हम बहुत खुशनसीब है कि उसके बाद एडिट के बाद वो भी खुश हुए। हाँ, exactly. सुनने के बाद नहीं तो होता हो सकता है ना, किसी को नहीं पसंद आएगा, अरे यार मेरा ये क्यों रखा। मैनेज करना उन लोगों को, सबको अपनी अपनी लाइंस बाकायदा अच्छे से, मतलब हमारा फर्ज बनता है कि सबको उतनी ही लाइंस दें, ऐसे नहीं किसी को चार लाइन दे दी, किसी को दो लाइन दी। तो जब जब जिस जिसने शूटिंग में सुना बहुत लोगों ने गाया, जितना प्यार से उन्होंने ये फील करा इस कम्पोजिशन को, जो रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी, उसी इज्जत से हमें भी उनको वहां तक पहुंचाना था, कि वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी हमारे ऊपर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और आजकल ऐसे पेट्रियोटिक गाने कम ही बनते हैं। जी जी, you know? बहुत नसीब वाले हैं कि हमें ये गाना मिला, थैंक्स टू अनुराग सर। आपको किसने सिलेक्ट किया? ये अनुराग सर। अच्छा, जी म्यूजिक कंपनी के अनुराग बेदी जी ने। जब जी म्यूजिक का नाम आता है तो ऐसा लगता है हमारा घर है, और वो हमारे बड़े भाई हैं, और वो इतना सपोर्ट करते हैं हर चीज, जो भी चीज आती है उनके दिमाग में लगता है कि अरे अमजद नदीम के उन्होंने चाहे, तो फौरन एक फोन आएगा और फटाफट हम लोग फिर लग जाते हैं। और हमारे लिए भी एक ड्यूटी है कि नहीं, अब इसको बेस्ट करना, बेस्ट करना, एग्जैक्टली, वो रैपो बन जाता है जी। फिल्मी सीन पर क्या क्या चल रहा है? हाल ही में आपकी थ्री स्टोरीज में जो रासलीला वाला गाना था, वो आप लोगों ने रिकॉर्ड किया था, उसके बारे में बताइए। थ्री स्टोरीज भी काफी समय से मतलब तैयार होके पड़ी थी। जी जी, हाँ हाँ, बस वही है, आजकल पड़ी इसलिए थी क्योंकि करेक्ट रिलीज डेट, सही सही, क्योंकि अगर करेक्ट रिलीज डेट नहीं मिलती है तो फिल्म को पता ही नहीं चलता, सबकी मेहनत वेस्ट हो जाती है, जो हम लोगों ने इतने साल से एक एक छोटे से बच्चे को उसको पाल के पोस के उसके वैसे ही फिल्म को जिस तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन और डायलॉग, म्यूजिक करना, और उसको प्रॉपर रिलीज डेट ना मिले तो फिर सबकी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो वो है, 2 महीने लेट, 3 महीने लेट हो जाए, बट एक राइट टाइम पर आ जाए तो तो उसमें केवल एक गाना आप लोगों का था, रासलीला। और वो भी सर मैं आज बताना चाहूंगा कि वो बहुत चैलेंजिंग था हमारे लिए रासलीला, क्योंकि इन्होंने पहले वो गाना, जैसे आपने कहा फिल्म शूट हो गई थी, तो वो उन्होंने एक गाना था परी हूं मैं, उस पे गाना शूट कर लिया था ऑलरेडी। अच्छा। शूट गाना था, उन्होंने दिखाया कि हमें इसको हटा के हमें एक नया गाना बनाना है, तो वी हैव टू लाइक उस पे ध्यान देके कि उतने ही टेम्पो में। अच्छा, तो पिक्चराइजेशन चेंज नहीं होने वाला था, पिक्चराइजेशन चेंज नहीं होने वाला, वो ये तो बड़ा चैलेंज है, अलग किस्म का चैलेंज था ये, बहुत कमाल चैलेंज था। सो बट वो मजेदार चैलेंज था, हमने उसको बहुत पॉजिटिव लिया। तो वो जब हमने सुना तो पहले हमने उसकी ताल देखी कि इसी ताल में हो, जैसे गरबा की मोस्टली ताल होती है 6/8 में, तो उसी में हमने कंपोज किया और उसी तरह की ट्यून रखी। तो कुछ लोग बोलते भी है कि उस तरह का गाना लग रहा है, तो हम बोलते हैं ये तो हमारे लिए जीत हो गई है कि कम से कम उनको लग रहा है कि ये उन्होंने जो चाहा था वहां तक बन गई है चीज। ये आपने एक टेक्निकल टर्म यूज किया, गरबा का हमेशा स्टेप्स 6/8 का ही होते हैं, तो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना हमारे दर्शकों के लिए। बेसिकली क्या होता है, जैसे 2/4 होता है, 6/8 होता है, इन दो ताल में मोस्टली बहुत सारे गाने होते हैं, सो लाइक 1 2 3 4, तो ये 4 बार की बीट हो जाती है, और 6/8 में 1 होता 4 ही बार है, 1 2 3 4, गिनने का तैयार है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, जैसे ढंग 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 ढंग, तितलियों से बेफिकर मैं उड़ती फिरूं, इस गली से उस गली महकती चलूं, जैसे कोई अप्सरा मैं उड़ी उड़ी बनके हवा में, लगे सारे ख्वाब नए, तू जो मिला मिला मिला, आ जाना दिल से करे मिलके करे रासलीला, तो इसे 6/8 कहते हैं इस ग्रूव को, इस टेम्पो को। ओके ओके, तो वो चैलेंज पर आप लोग खड़े उतरे। हाँ, कि पिक्चराइज खड़े उतरे या नहीं उतरे, हमने तो अपनी पूरी जिद लगा दी। ये तो हमें आज मालूम चल रहा है कि गाना पहले पिक्चराइज हो गया था और रिकॉर्ड बाद में हुआ, नहीं तो कोई ये कह ही नहीं सकता है गाना देखकर। हां, तो वो और उसके बाद जब हम जब भी देख रहे हैं हम उस गाने को भूल गए, यहां तक कि हमें सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट हमारे डायरेक्टर ने दिया था, अर्जुन मुखर्जी ने, उन्होंने कहा मुझे आज तक गरबा के सिर्फ 2 गाने पसंद आए, एक जिसमें मैंने शूट किया था और एक फाइनल हुआ। तो एक डायरेक्टर की सोच पे खड़े उतरना, बहुत म्यूजिकल डायरेक्टर, बहुत म्यूजिकल डायरेक्टर है वो, एक्सेल तो पूरी टीम ही म्यूजिकल है, बहुत कमाल उनके साथ काम करना ही एक अपने आप में बहुत, हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि आप हम लोगों को मौका मिला एक्सेल के साथ काम करने का। करेक्ट करेक्ट। और उससे पहले बहन होगी तेरी में आपके जी, गाने थे, हाँ जी, उसके बारे में बताइए। जी उस वो भी बहुत प्यारा गाना था वो, तो पहले मैं चाहूंगा नदीम गाए, क्योंकि नदीम वो गाना बहुत अच्छे से गा, अरे वाह, उसका फेवरेट गाना है वो। मंगाए दुआ मैं
ना तू मैनू मिल जा, तैनू ना बोल पावा मैं, तू आपे ही समझ जा। सामने बैठ जा तकदा जाऊं, अखियों में तेरी गुम हो जाऊं, मुझे ढूंढे ना फिर कोई, मंगा ही दुआवा मैं, चन्ना तू मैनू मिल जा, तैनू ना बोल पावा मैं, तू आपे ही समझ जा। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। यू नो आप लोग जब इतनी मेहनत करते, कोई भी इतनी मेहनत करता और फिल्म नहीं चल पाती है तो दुख तो होता होगा ना कि अरे यार एक अच्छा गाना चला गया। दुख तो होता है लेकिन हमें इस चीज की एक खुशी होती है कि हमने अपना काम अच्छा किया, क्योंकि सबका काम हम नहीं कर सकते। सही बात है, हर आदमी अपना अपना काम अच्छा करे, पिक्चर अपने आप हिट, और वो अपने हिसाब से अच्छा ही करते हैं। कुछ चीजें कभी कभी नहीं डिपेंड होती, कब कभी टाइमिंग मैच नहीं होता, कभी प्रॉपर रिलीज नहीं होती है, कभी कभी बड़ी और बड़ी पिक्चर, इससे बड़ी पिक्चर साथ लग जाती है। हाँ। कभी कभी स्क्रीन नहीं मिल पाती है, काफी सारी, और जब अच्छा होता तो चारों तरफ से अच्छा होता है। बट हमें इस चीज का, हमने अपनी कोशिश अच्छी करी, और जब हमारा कोई गाना सुनेगा तो ये नहीं बोल सकता कि बुरा काम किया, बट बुरा नहीं बोले, अच्छा, बहुत अच्छा नहीं बोले तो बुरा ना बोले। सही बात है। ये हमें एक है कि हम अपना काम तो अच्छा करें, बाकी लीव द रेस्ट टू गॉड। करेक्ट। यू नो एक दौर था जब नॉन फिल्म एल्बम्स, जिसे हम एल्बम्स कहते थे, नॉन फिल्मी, फिल्मों के गाने नहीं, वो बहुत चले थे, उनके वीडियोज बनते थे, बहुत चलते थे। फिर एक दौर आया जहां पर ये एल्बम्स बनना ही मानो बंद हो गई थी, बहुत कम बनती थी, एंड बनती थी तो वीडियोस भी कम शूट होते थे। अब वापस दौर आ रहा है नॉन फिल्म एल्बम्स का, तो क्या डिक्टेट करते हैं, टर्म्स क्या हैं कि क्यों बीच में बंद हो गए थे, अब वापस क्यों ये चलन चला है, क्यों? सर मैं ये हमेशा से ये देख रहा हूँ कि म्यूजिक ही चल रहा है। पहले भी म्यूजिक चल रहा था, अब भी म्यूजिक चल रहा है, और अब जो चलन चल रहा है बिकॉज फिल्में ज़्यादा फ्लॉप हो रही है। Okay. तो अब गाने तो हिट हो ही रहे हैं, पहले भी चल रहे थे। जैसे आपने दौर दौर की बात की, तो पुराने दौर में रफ़ी साहब के दौर में भी गाने चले, किशोरदा के भी दौर में चले, कुमार शानू के भी दौर में, आज सोनू भाई के दौर में, अरिजीत सिंह के दौर में गाने चल ही रहे हैं, गाने नहीं रुक रहे हैं। जो लेकिन अगर कोई चीज़ फ्लॉप हो जाती है तो फिर रिस्क फैक्टर बढ़ता है, क्योंकि गाना फ्लॉप होने में रिस्क फैक्टर इतना बड़ा नहीं है जितना कि फिल्म फ्लॉप होने में। सो दे आर टेकिंग चांस विथ नाउ, ये कि अब हो रहा है कि अब हम म्यूजिक एल्बम पे जरा ध्यान देते हैं, गाने हिट कर दे, गाने से कमाई हो। तो म्यूजिक एल्बम्स की इकोनॉमिक्स क्या होती है, अगर आप सारांश में समझा सकें, पैसे कौन लगाता है, पैसे की रिकवरी कैसे होती है? देखिए आजकल डिजिटल बहुत बड़ा माध्यम है हर चीज में, देख लीजिए, गाने हो गए, वेब सीरीजेस हो गई, जहां तक कि फिल्में और अच्छी फिल्में आ रही हैं वेब सीरीज पे। सही। तो यूट्यूब ही बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा माध्यम है डिजिटल, जहां से पैसा आ रहा है, वैसे ही म्यूजिक एल्बम्स का है। और हम लोग बेसिकली पैसे को, जैसे आप सारांश की बात करें तो वो बिजनेस हो गया, हम एक क्रिएटिव और आर्टिस्ट आदमी है, तो हमारा सारा, हमारा जो फोकस होता है वो एक आर्टिस्टिक लेवल पे होता है कि कैसे हम खूबसूरत चीज बनाए, अगर वो फिल्म है तो भी दिल से, और अगर वो एल्बम है तो भी दिल से, और उसका हमारा मकसद अच्छा गाना बनाना है। वो हिट फ्लॉप तो ये जो ऑडियंस बैठी है इन्हीं के हाथ में। आजकल आर्टिस्ट के लिए प्लेटफॉर्म काफी हो गए, जैसे एग्जांपल आप अपना गाना गाकर फेसबुक पे अपलोड कर दो तो अब उसकी फाइनेंस की जरूरत नहीं रही है। मतलब अगर आपकी अच्छी चीज है वो लोगों तक आराम से कहीं ना कहीं से पहुंच जाएगी, फेसबुक, यूट्यूब और काफी सारे ट्यूटर्स, काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जहां अगर आपको, अगर कोई फाइनेंस नहीं करने वाला है तो भी अगर आर्टिस्ट है और अच्छा गाता है या अच्छा बजाता है या कुछ भी उसके अंदर अगर बात है तो क्वालिटी है, पहुंच जाती है। मतलब आज वो प्लेटफॉर्म है अवेलेबल, वो हम शुक्र अदा करते हैं कि हम इस दौर में पैदा हुए हैं जहाँ हम थोड़ी सी भी अगर अच्छा थोड़ा सा भी टैलेंट है तो वो लोगों को नजर आ जाता है कि आज सारे गामा पा या इंडियन आइडल, ये सारे प्लेटफॉर्म इन सब चीजों के लिए अवेलेबल है, पहले नहीं थे। पहले बहुत लोगों को हमने भी सुना है, क्योंकि हमारी इतनी एज नहीं है, बट हमने लोगों को सुना है कि लोगों के प्रोड्यूसर्स के घर पर जा जाके बोलना पड़ता था कि सर हमें चांस दीजिए, राइटर, लिरिक्स राइटर या सिंगर या सबकी एक ही स्टोरी हुआ करती थी कि सर हम काफ़ी दिन महबूब स्टूडियो के बाहर खड़े थे, फिर उनकी नज़र पड़ी डायरेक्टर सर की, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं एक सिंगर हूँ, गाना चाहता। करेक्ट, सही बात है। आज
लोगों की लाइफ के अंदर आज के लोगों को ऑप्शन मिल चुके हैं कि अगर कुछ नहीं है तो एक व्हाट्सअप कर दिया, सर जरा एक बार वॉइस सुन ले, जब भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या म्यूजिक डायरेक्टर फ्री है तो उन्होंने सुन लिया कार में जाते हुए कहीं, तो ये आज बहुत हम नसीब वाले हैं कि ये मौका मिला। तो आप लोग भी अगर किसी नए सिंगर को ब्रेक देना चाहते हैं या आप अपने आप को भी अब्रेस्ट रखते हैं चेंजेस से या चेंजिंग वॉइसेस न्यू वॉइसेस से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए बोलते हैं कि प्लीज हमें मेल करो, व्हाट्सएप करो। अभी जैसे हाल ही में हमारे स्टूडियो पे एक लिरिसिस्ट आए और ऐसे नॉक किया कि मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मैंने बोला हाँ हाँ आ जाओ, कोई था उन्होंने बोला अंदर, बोले मैं अमजद नदीम से मिलना चाहता हूँ, बोले ठीक है। उन्होंने आते ही यार मैं जो हमारे प्रोग्रामर हैं आमिर और हमारे भाई भी हैं छोटे, और वो उनको जानते थे, अरे ये बहुत अच्छा लिखते हैं आप, बैठो। अच्छा, ही वॉज हैंडीकैप्ड पहली चीज़ में, इसलिए क्योंकि आप जब किसी को देखते हो तो उसको सोचते हो यार ये कमज़ोर आदमी किसी भी लहजे से हो सकता है, और प्रेजेंस ही उसका बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन जब उन्होंने देखा, मुझे लगा यार वो आदमी उस पर भी लड़ना चाहता है दुनिया से, उसको ये नहीं है कि यार मेरे हाथ पैर से मैं माजूर हूँ या कुछ है, लेकिन वो आया और उन्होंने मुझे 10 गाने अपने सुनाए, सारे गाने बहुत अच्छे थे, मतलब एक भी गाना उनका वीक नहीं था। और एक गाना जो मुझे सबसे पहले उन्होंने सुनाया, हम लोग इंशाल्लाह उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं जल्दी, एंड ऐसा हुआ है कि वो 3 दिन पहले हमें मिला है और मैं उनका मतलब मैं उनका फैन हो गया हूँ। तो यू नेवर नो, शख्स का नाम भी बता दीजिए। उनका नाम है राजेश निषाद। अच्छा, तो उनका गाना बहुत जल्द आप लोग रिकॉर्ड, बहुत जल्दी, बहुत लवली। काफी लोग हैं उसको हम 3-4 दिन पहले ही मिले और मैं अभी बोल रहा हूँ कि हम लोग करें, तो ऐसे लोगों से और मिलना ही चाहते हैं। काफी सिंगर्स भी ऐसे, काफी राइटर भी ऐसे, और काफी लोग हैं जो जिनके साथ चल कुछ ना कुछ अच्छे लेवल पर चलता ही जा रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, लेकिन जाते जाते हम ये जरूर कहेंगे कि वीर भगत सिंह जो फोकस है आज के इंटरव्यू का, वो गाना सुनाते जाइए। चेलम दिया लहरा बोल उठिया, गजला दिया बहरा बोल उठिया, चेलम दिया लहरा बोल उठिया, गजला दिया बहरा बोल उठिया, पिंडा विच जगी पुकार जदो खुद शहरा शहरा बोल उठिया, सोए मुल्क विच बलिदान दा शुरू किया जगराता, ओए वीर भगत सिंह, ओए वीर भगत सिंह, ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता, ओए वड्डे वीर साडे साडी एक भारत माता, ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता, ओए वड्डे वीर साडे साडी एक भारत माता।